ये पौधा आपने देखा हुआ है? हाथ नहीं लगाना, काट ही कर लेगा। इतने सारे बगले इकट्ठे एक ही जगह पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अंजुम व्लॉग्स और मैं हूं आपका होस्ट रशीद अंजुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से, और उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। तो आज का छोटा सा व्लॉग कर रहे हैं शुरू। वैसे आज एक और वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, छुट्टियों का यही तो फ़ायदा होता है, एक दिन में दो दो वीडियोज़ भी बन सकती हैं, बल्कि दो से ज़्यादा भी बन सकती हैं। तो आज अभी एक और वीडियो मैंने कहा छोटी सी बना लेते हैं, तो ये किसी टाइम आपके साथ शेयर कर देंगे। ये अनाबिया जा रही है, अनाबिया सलाम कर दो। सलाम कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम कहो ना, नहीं कहती? अस्सलाम वालेकुम कहते जल्दी जल्दी। नहीं, आज इसका मूड चेंज है जी, आज सलाम नहीं कर रही। हाँ जी, तो ये ना आप देख रहे हैं हाथ में मेरे है थैला, तो हम जा रहे हैं इधर आगे, हमारे हमसाए हैं उनका डेरा है, वहाँ से ना हमने थोड़ा सा लेना है भूसा, कोई 10-1 किलो लेना है अपनी बकरी की। खैर अगर मिल गया तो व्लॉग कंप्लीट करके अपलोड कर देंगे, नहीं तो इसको डिलीट कर देंगे। फ़िलहाल हम जा रहे हैं, अभी जो टाइम है टाइम 4:30 बजे का है। टाइम में हमेशा जब भी बताता हूँ आपको देख कर ही बताता हूँ, ऐसे झूठ नहीं बोलता। आ जाओ आ जाओ। क्या क्यों दर्दी हो गई है? तेज तेज आप नहीं चलो ना, आप ऐसा ऐसा चलो। देखें कितना जी प्यारा माहौल है यहाँ पे। एक बार पहले भी आपको, बल्कि एक बार के नहीं कई बार, क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पे हम आते ही रहते हैं। ओहो भैंस के है गोबर, भैंस के गोबर कहते हैं। तो चल रहे हैं आगे, 2-3 हैं हमारे हमसाए खड़े, उनसे पूछेंगे पता करेंगे, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो फिर ज़रा बुरी बात है, फिर हमें कहीं और से ढूंढना पड़ेगा। फूलों की दीवानी के काम देखेंगे, जहाँ भी जाती है इसको अपने मतलब से होता है। अब ये इधर से फूल तोड़ने लगे, ये मोगरे के फूल होते हैं वाइट। आज हम पका भी मोगरे रहे हैं ना भैया, आपको पता है सराकी में हम मोगरे कहते हैं, उर्दू में तो मोगरे कहते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी करो, मैं तो जा रहा हूँ। फिर वीडियोस 2-3 ठहरी हैं लेकिन अपलोड फ़िलहाल नहीं किया उनको, क्या पता उसकी भी बारी आ ही जाएगी। तो आज डबल फिरना। और मैं आपको बताऊं, वो जो दोस्त थे ना, फिर वो मुझे वहाँ से छोड़ने आए थे बाइक पे घर, और फिर इधर भी हम बैठे रहे, गपशप की, चाय वगैरह भी पी थी, तो फिर वो यहाँ से चले गए। देखें कितना प्यारी जगह है, और ये तो खैर काम था, वरना मैं काम के बगैर भी इस साइड पे आता रहता हूँ, क्योंकि ज़रा बाहर फसलों वगैरह में और सरसब्ज माहौल में बंदा घूमे फिरे तो बहुत अच्छा लगता है। अनाबिया आप क्या कर रहे हो, जल्दी आओ। अनाबिया ये गद्दा खड़ा है, गद्दा। आ जाओ आ जाओ, ये देखो ये छोटा सा कुत्ते का बच्चा है, पप्पी, कितना प्यारा प्यारा है। और इधर एक ये बैठा है छोटा सा पप्पी, सर्दी से छुपा बैठा है। अरे यार धूप पे जाके बैठ, उधर देख धूप है ना, तो इधर बैठा हुआ है। ये खड़े हैं आगे, इरफान है और एक दो लड़के भी खड़े हैं, महबूब है और खुर्शीद है, इनसे पता करते हैं भूसे का। ये खड़े हैं यहाँ पे, इरफान है और एक दो और लड़के खड़े थे, इनसे तो पूछा है, वो कहते हैं हमारे पास तो नहीं है। अब उन्होंने कहा है चाचा खलील हैं, वो आ जाएँ तो उनसे पता करते हैं, वो कहीं गए हुए थोड़ा काम, वो आते हैं उनसे पूछते हैं हम। तब तक मैं आपको इधर एक बेहतरीन चीज़ है वो दिखाता हूँ बैक कैमरे से। पे देखें ना, ये पौधा आपने देखा हुआ है? अगर देखा हुआ है तो फिर बताएं ये कौन सा पौधा है। ये देखें, अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर मैं ही बता दूंगा। ये तो वैसे, ये तो थूम है, सराकी में थूम कहते हैं हम, लहसुन कि ये क्यारियाँ हैं, और इनके किनारे पे जो लगे हुए हैं ना, ये देखें बहुत ही खूबसूरत पौधे हैं माशाल्लाह। चले मैं आपको बता ही दूं, कई लोग तो बूझ भी गए होंगे जो दियास से हैं, ये सौंफ का पौधा है। सौंफ तो आप समझते होंगे ना, सौंफ जब पेट में दर्द होता है तो हम तब इस्तेमाल करते हैं, वैसे भी उनके बहुत से फ़ायदे हैं। ये सौंफ के पौधे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे और ख़ूबसूरत, देखें ना कितने खूबसूरत हैं।
और ये लहसुन की क्यारियाँ हैं काफ़ी सारी माशाल्लाह, ये देखें वो वहाँ तक। हाथ नहीं लगाना, काट ही कर लेगा। वो जी सामने आ तो रहा है इमरान, इससे पूछते हैं क्योंकि वो कह रहे थे या इमरान के पास होगा या चाचा खलील के पास होगा, इससे पूछते हैं क्या था इसके पास हो। वैसे निशान है उसको बाबा। शुक्र है जी, इमरान भाई से हमें भूसा मिल गया है, उन्होंने कहा है ठीक है आप ले लें, तो हम अभी चल रहे हैं भूसे की तरफ। इधर उनका पड़ा है कमरे में, वहाँ पे चल रहे हैं। और ये जगह जो है बहुत पुरानी है, काफ़ी सालों से मैं इस जगह पे नहीं आया, इसी बहाने चले इस जगह पे भी आ गया ना। भी आ जाओ जल्दी आ जाओ। ये है जी भूसे वाली जगह जहाँ से अभी मिल गया हमें ये, अभी मैं थैला ये भरूंगा। और एक और चीज़ हमें नज़र आई है जो ख़तरनाक है थोड़ी सी, वो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये सांप की जो जिल्द होती है ना वो है, ये देखें यहाँ पे भी पड़ी है, और कुछ ये भी है, ये वाली है, और ये देखें ये भी है। तो सांप जो है ना वो अपनी जिल्द चेंज करता रहता है, ये जिल्द उतार के ना यहाँ पे रख के चला गया, कुछ इधर भी है। तो मुझे तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि शायद इधर हो ही ना। जल्दी जल्दी भूसे का थैला भरते हैं और यहाँ से निकलने की करते हैं भाई। ये जी थैला हमने भर लिया भूसे का, अब हम चलते हैं बाहर कमरे से। ये हम बाहर आ गए और अभी हम व्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि आज का व्लॉग बस यहीं तक था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।